हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। राजनाथ सिंह ने आरजेडी पर कसा तंज, कहा सोने की लंका समझकर बिहार को लूटा। मुजफ्फरपुर में संबोधन के दौरान पप्पू यादव का टूटा मंच, पप्पू यादव का दाया हाथ हुआ फ्रैक्चर। AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने की अररिया में जनसभा, लोगों की उमड़ी भीड़। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। धुआंधार चुनावी प्रचार करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहटा के विष्णुपुरा गांव में आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति नीति और सिद्धांतों की होनी चाहिए, लोभ और लालच की नहीं। बता दें कि उन्होंने राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में 15 सालों से जिन्होंने राज किया वे इसे सोने की लंका समझकर लूटते गए। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन ने हिंदुस्तान की 12 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया था, जिसे बिहार रेजिमेंट के जवानों ने वीरता दिखाते हुए चीनी सैनिकों को पीछे कर दिया और अपनी जमीन पर वापस अधिकार जमाया। और जिस दिन यह विचार पैदा हो जाएगा बहनों भाइयों, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस राजनीति को ठोकर मार कर घर बैठ जाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे। और यह राजनीति केवल सुख भोगने के लिए नहीं की जाती, यह राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति के लिए की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है, देश बनाने के लिए राजनीति और राजनीति चलता है। पीडीए गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पप्पू यादव मुजफ्फरपुर के मीनापुर पहुंचे थे, जहां सीआरपीएफ कैंप के समीप जाप प्रत्याशी वीणा यादव के समर्थन में पप्पू यादव चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान पप्पू यादव का मंच टूट गया और देखते ही देखते पूरा मंच धराशायी हो गया। वही इस हादसे में पप्पू यादव का दाया हाथ फ्रैक्चर भी हुआ है। अररिया में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप हमारे हाथों को मजबूत करें, हम सीमांचल की बदहाली को दूर करेंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि आज सीमांचल का इलाका जितना पिछड़ा है, हर वर्ष यहां लोग बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं, जिसे दूर करने के लिए ना तो कांग्रेस और ना ही NDA के लोगों ने ही सोचा। हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं कि हम तुमको वोट डालते जाएंगे? नहीं मेरे भाई, ये बात आपको फैसला इस बात का करना है। अब रहा सवाल, यहाँ पर 5 साल पहले आपने गठबंधन के नाम पर धोखा देकर वोट हासिल किया, हमको काम वोट कटवाए, मगर आपने गठबंधन को वोट किया तो नीतीश कुमार जाकर मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के काटी विधानसभा क्षेत्र के पानापुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला। बता दें कि जीतनराम मांझी ने कहा कि महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं उनके पिता जेल में हैं और CM उम्मीदवार तेजस्वी यादव खुद बेल पर बाहर हैं। माननीय नीतीश कुमार जी केंद्र में रह करके जिस विभाग को संभालने का काम किया, बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने निर्वहन किया वहां के दायित्व को। मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई घटना के बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर मुंगेर में पदस्थापित की गई नई DM रचना पाटिल व SP मानवजीत सिंह ने जमालपुर पहुंचकर विधि व्यवस्था का जायजा लिया। करीब 5 दशक से चल रहे जर्जर भवन में प्रखंड कार्यालय जमालपुर के निरीक्षण के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार से बातचीत की। बातचीत के क्रम में DM ने प्रखंड की समस्याओं के बारे में BDO से पूछताछ की।
मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र के परसौनी कपूर पंचायत स्थित पताही पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चुनावी चेकिंग के दौरान पताही पुलिस ने बाइक सवार युवक के पास से 3,19,000 रुपए बरामद किए हैं। वही थाना अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद ने बताया कि पैसा लेकर भाग रहे युवक ने पूछताछ में बताया कि वह व्यापारी है और पैसे कलेक्शन कर अपने घर ढाका जा रहा था। फतुहा थाना के मकसूदपुर मोहल्ले में चाची की मृत्यु के बाद भतीजा धर्मेंद्र कुमार साइकिल से फतुहा से सामान लाने जा रहा था कि तभी अनियंत्रित प्लाजो टेम्पू ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद मुआवजे के लिए ग्रामीणों ने फतुहा बख्तियारपुर सड़क मार्ग SH 106 को जाम कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं मृतक के परिजनों को 15,000 रुपए तत्काल दिए गए, उसके बाद जाम को हटाया जा सका। खबर वैशाली के भगवानपुर से है, जहां लालगंज विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी गौरी शंकर पांडे ने बाइक जुलूस निकाला। बता दें कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ निर्दलीय प्रत्याशी गौरी शंकर पांडे ने लालगंज विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। वहीं इस दौरान गौरी शंकर पांडे के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की गई। LJP सुप्रीमो चिराग पासवान वैशाली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभा में पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर सरकार शराब की तस्करी करा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि वो शेर के बच्चे हैं और जंगल चीर कर विकसित बिहार बनाएंगे। आज हम यहाँ वैशाली में मौजूद हूँ। कितने खूबसूरत पर्यटक स्थल है यहाँ पर। भगवान महावीर की जन्मस्थली से लेकर यहाँ पर अशोक स्थान तक एक से एक ऐसे खूबसूरत जगह है, जिसको अगर हम लोग विकसित करने लग गए तो सोचिए प्रदेश का ना सिर्फ राजस्व बढ़ेगा, ना सिर्फ यहाँ पर आय आएगी, ना सिर्फ यहाँ पर निवेश होगा, बल्कि बिहारियों को अपने प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा। खबर वैशाली के गोरौल से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह ने गोरौल प्रखंड क्षेत्र में मतदाताओं से जनसंपर्क कर तेजस्वी यादव के सभा में आने का आह्वान किया। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में पहुंचने को लेकर कई गांवों में देर रात तक जनसंपर्क कर आने का निमंत्रण दिया गया। वहीं सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में सुनामी लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकार से जनता अब त्रस्त हो चुकी है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उचित शिक्षा नहीं मिल रही है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि भाई तेजस्वी यादव जी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। पुरानी सरकार से जनता पूरी तरह से त्रस्त हो गई है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उचित शिक्षा नहीं मिल रही है, किसानों को उनके फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। तो बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि यह पुरानी सरकार जो पलटू राम की सरकार है, जो 15 साल से अंधी और बहरी सोई सरकार है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।